अगर उसकी 4 से 5 साल की मेहनत को कोई ऐसे बेकार कर दे तो उस बच्चे का मन टूट जाता है, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जब केंद्र के अधीन वाला ही प्रशासन ये कह रहा है कि भाई गड़बड़ी हुई है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई है, ऐसे ऐसा काम होगा तो ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं रंजय कुमार। देश में नीट एग्जाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और आज जो फैसला आया है कि काउंसलिंग जारी रहेगा और जो है 1563 बच्चों को जो है ग्रेस मार्क्स दिया गया है तो वो उनको फिर से एग्जाम देना होगा। क्या कहेंगे आप, इस जो कोर्ट का फैसला अभी आया है उस पर क्या कहेंगे? सर कहने लायक है ही क्या, कुछ भी नहीं है। 1563 का तो मामला नहीं है, मामला पेपर लीक का है। हमारी जो सारी डिमांड है पेपर लीक के लिए है। वो तो एनटीए ने 1563 बच्चों का एक नाम दिया है सिर्फ, हमारे पास कोई आईडी है उनकी के 1563 ही है, ना कोई प्रूफ आया कि 1563 थे। वो 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, क्योंकि 1563 से रैंक इतना नहीं जाता, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। सबकी मैथ ऐसी है, एक बच्चा दो दो पेपर नहीं देने लगे। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि 1563 में से सिर्फ 790 बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई करें। क्वालिफाई का मतलब 120 मार्क्स अब या 800 मान लेते हैं, चलो 800 पे 40,000 हैं, यानी कि एक बच्चा 5 पेपर दे रहा है। क्या चल रहा है पता नहीं कुछ भी। अब आपके कितने मार्क्स हैं? 548। तो क्या इसमें कोई आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? सर रैंक 1,44,000 और पिछले साल 50,000 से 55,000 के बीच में थी बस। तो ये किस तरह से गड़बड़ियां कर, ये क्या लगता है जो 67 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं, 720 हैं और कुछ बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें 0 मार्क्स भी आए हैं जबकि उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हुए थे। सर आए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा झूठ बोल रहा है, आए होंगे। एनटीए झूठ बोल रहा है, एनटीए ने बोला है कि 6 बच्चे ऐसे हैं हरियाणा के जिनको हमने 720 दिए, टाइम लॉस की उन्होंने कंप्लेन करी। हरियाणा के झांझर का जो केस है उसमें प्रिंसिपल का कल इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने साफ बोला हमारे सेंटर पे कोई भी टाइम का लॉस नहीं हुआ। तो एनटीए ने फिर कहाँ से दिए नंबर? उन्होंने तो 6 बच्चों के नाम उधर से ही बोले हैं, तो इसका मतलब एनटीए ने अपनी जिम्मेदारी का दिया मनमानी। तो मनमानी करिए तो एनटीए तो सब कुछ बोल सकते हैं। कई केस हैं, हम एनटीए के ऑफिस पे भी गए थे, उसमें भी कई केस ऐसे हैं कि बच्ची ये अपनी ओएमआर लेने गई है, पहले तो जनरेट नहीं हुई, जब ओएमआर लेने गई है तो उससे कह दिया गया कि तुम्हारी ओएमआर जल गई है। जब उसने वहाँ बहुत सारा हंगामा करा तब जाके उसे कोई दूसरी ओएमआर दिखाई है जिसमें उसके नंबर कम बने। महाराष्ट्र से एक लड़की आई थी, उसके 26 कुछ मार्क्स बता रही थी वो अपने, उसके बाद यहाँ आई है तो आंसर की चेंज मिली है उसे, उसके 81 मार्क्स आए। तो कई सारे केस आए और ऐसा नहीं एक दो आए, लगातार आ रहे हैं। तो एक दो बच्चा झूठ बोल सकता है, सारा बच्चा झूठ नहीं बोला। ये 24 लाख बच्चों का एग्जाम है, झूठ आप बोले आपको उसे छुपाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो तो दिस इज नॉट फेयर। आप गलती होती है, सबसे होती है, मान लीजिए कि हाँ गलती हुई है, हम उसको ठीक कर देंगे, जहाँ स्टेट में हुआ उसको कर देंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी सुनने को राजी नहीं। और आपको लग रहा है कि बच्चा छोड़ देगा, बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा है, ये पागल नहीं है, इसके ये यहाँ अपना मेडिकल का हक लेने आया, भीख मांगने नहीं आया। यहाँ बच्चा कोई वो नहीं आया कि 200 नंबर पे आपसे सीट मांग रहा है, बच्चा 550-600 नंबर ला के यहाँ आपके पास बैठा है, सीट मांग रहा है अपने हक की, भीख नहीं मांग रहा है आपसे, उसका हक है ये चीज़। हम ये पूछना चाहते हैं कि कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे या अमूमन किसी बच्चे को कितना समय लग जाता है इस नीट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए? सर आजकल तो ऐसा है कि अवेयरनेस है तो बच्चा 10th से भी शुरू कर देता, 9th से भी शुरू कर देता। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ये 5th अटैम्प है, 4th ड्रॉप था मेरा, तो हमारे में 12th के बाद ही शुरू होता है। और फिर ऐसा होता है कि पहले कोचिंग भी इतने नहीं थी, क्योंकि कोचिंग बहुत महंगी जाती थी, 1 लाख 2 लाख इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते वो। तो PW, थैंक्स टू PW जिनकी वजह से अब चीज़ें हो पाती हैं, पॉसिबल हैं। तो हमारे टाइम पर नहीं था, तो 2 साल तो ऐसे ही ख़राब हुए, उसके बाद PW का बैच लिया, उसके बाद इस साल तो सेल्फ स्टडी था। मतलब 2 साल किसी बच्चे को, एक नए बच्चे को लग जाता है। अगर 12th के बाद तैयारी कर रहा है, अगर अब तो है उसके बाद, अगर वो पूरा पोटेंशियल दिखाएगा तो पहले साल में हो जाएगा उसका। चलिए, तो हमने देखा कि किस तरह से 2 साल कम से कम लग जाते हैं तैयारी करने में और इस तरह से एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ियाँ हुई हैं और बच्चा किस तरह से जो है परेशान होता है। तो यहाँ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और ग्रेस मार्क्स का मामला आया और अब कोर्ट जो कह रहा है कि काउंसलिंग जारी रहेगी लेकिन, और जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है उन 1563 बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, तो इन सारे मुद्दों पर क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा, मैं सबसे पहली बात तो अपने भारत की न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका तक बच्चों की आवाज़ पहुंचाने का काम यदि आप कर रहे हैं, आपने इतने सारे बच्चों से पूछा, देखिए जो पढ़ रहा है उसको अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा जानकारी है, उसको अपने सिलेबस के बारे में ज़्यादा जानकारी है। हम तो समाज सेवी हैं और आज इन बच्चों के साथ इसलिए इस धरना प्रदर्शन पर इकट्ठा हुए हैं कि ये भारत का भविष्य है और भारत के भविष्य के साथ कोई भी छेड़ाखानी यदि सिस्टम करेगा तो सिस्टम को सिस्टम के तरीके से ही जवाब देने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम तो राजनीति
वाले व्यक्ति हैं, तो हम जानते हैं कैसे जवाब देना है। लेकिन आज बात यह है, ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, इस बात को मैं कम शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन समझने की बात यही है, ये आने वाला भविष्य जी, और इनके साथ अगर इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है तो सीधे सीधे हर एक प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित है। तो इसलिए आज जितने भी लोग, जितने भी संस्था या जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसे हमारी यही मांग है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, और ये जो हमेशा से पेपर लीक होना, कभी दिल्ली पुलिस अभी अभी आपने यूपी में देखा होगा, तो जो भी परीक्षाओं के जो प्रशासन शासन जिनकी जिम्मेदारी है, उनको बिल्कुल सख्ती से उनके साथ सरकार पेश आए, ताकि ऐसी धांधली ना हो, क्योंकि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं है, वे पूरे देश का मामला है। एक बच्चे को तैयारी करने में कम से कम 2 साल लग जाता है, और उनकी ऊर्जा भी लगती है, उनका टाइम भी जाता है, और उनके पैसे भी खर्च होते हैं। उसके बाद एज ए अगर गार्जियन आप इस मुद्दे को देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो आपको ये बताऊंगा, अभी मेरा भतीजा खुद इस परीक्षा में रहा है, और वो इस समय अपने बेड पे पड़ा हुआ है, मेंटली रूप से इतना मतलब कि प्रभावित हुआ है मानसिक रूप से, कि मैं उससे बार बार अभी कोशिश कर रहा हूँ बात करने की। मैंने कहा भाई तू न्यूज में अपनी बात फोन के द्वारा भी दे सकता है, घबरा मत। तो आज वो अनशन पे 10 लड़के हम लोग वहाँ से वो आने वाले थे, तो मैंने कहा भाई ठीक है, तुम्हारी तबीयत अगर सही नहीं है तो तुम आराम करो, गर्मी बहुत है, लेकिन क्या तुम्हें लड़ना तो खुद ही पड़ेगा। आज हम पहुंचते हैं वहां पे, कल तुम आओ इकट्ठे हो, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। भगत सिंह जो है वो पड़ोस से पैदा नहीं होता। आज जो समस्या जिसके साथ है वो अपने दुख को बेहतर तरीके से बता सकता है, क्योंकि जिसपे बीचती है ना पता उसको लगता है। अभी उन अभिभावकों से पूछो जो उन्होंने कर्जा लेकर के कमेटी डाल के लोन पे लेकर के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एक तो सबसे पहली बात तो हमारे भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि जितने भी लोग राजनीति में आते हैं वो शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा पे कोई भी ऐसा कार्रवाई नहीं की जाती है कि जिससे कि हर एक व्यक्ति को शिक्षा समान रूप से पहुंचे। जी, एनटीए जो है लगातार सवालों के घेरे में रहा है, पिछले भी कई एग्जाम जो हुए हैं तो वो ठीक से नहीं होने के कारण लगातार जो है वो घेरे में रहा है, तो उसको रद्द करने की मांग होती है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वो भी नीट परीक्षा को लेकर उन्होंने कहा है, क्योंकि तमिलनाडु में भी पहले भी कई आत्महत्याएं हो चुकी है कि मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन फिर एडमिशन नहीं हो पाता है। देखिए, मार्क्स अच्छे आते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता, मैं तो पूरा पूरा फेलियर है सरकार को कहूँगा जी, क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि वो, देखो एक तो बेरोजगारी, ऊपर से जनसंख्या विस्फोट, क्योंकि इन मुद्दों से हम अलग नहीं हट सकते, भले ही यहाँ पे नीट का प्रोसेस चल रहा हो, लेकिन ये जनसंख्या का जो विस्फोट है इससे भी देखना चाहिए कि हमारे देश में जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, नौकरी कितनी है गिनी चुनी है, फिर उन नौकरियों पर पहुँचने के लिए जितना कॉम्प्लिकेट उन्होंने सिलेबस कर दिया है, तो किस तरीके से बच्चा वहाँ तक पहुँच पाएगा भाई? रोटी पानी तो हर एक व्यक्ति की जो है अधिकार है, जो इस दुनिया में आया उसको जीविका चलाने का अधिकार है। तो जब मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश में जितने भी लोग सरकार में जाने का प्रयास करते हैं, जितने भी बच्चे तैयारियां करते हैं, उनके साथ अगर ऐसा काम होगा तो ये बर्दाश्त किया नहीं जाएगा, और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार का घेराव करेंगे इस बात को लेकर के कि भाई इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। जी, कब तक बैठे रहेंगे? क्योंकि अभी तक एनटीए ने इस बात को मानने से इनकार किया है कि कोई पेपर लीक हुआ है, हालांकि गिरफ्तारियां हुई है पटना में, लेकिन अभी तक उसने इस बात को नहीं माना कि लीक। तो आपको पता है पुलिस खुद ही कह रही है कि एफआईआर हुई है, पुलिस क्या, या तो पुलिस की कार्रवाई झूठी है, या तो पुलिस को आप कह दिए कि झूठ है। जब पुलिस जो है प्रशासन का हिस्सा होता है, पुलिस जो है लॉ एंड मेंटेन को बचाने का काम करता है, वो केंद्र के अधीन है। जब केंद्र के अधीन वाला ही प्रशासन ये कह रहा है कि भाई गड़बड़ी हुई है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गड़बड़ी नहीं हुई है, तो भाई पहले तो तुम ही डिसाइड कर लो। लेकिन वो तो डिसाइड करते रहेंगे आपस में, काम चीज चलता रहेगा, लेकिन इनका भविष्य का क्या होगा? इनको तत्काल प्रभाव से जो काउंसलिंग होनी है उसको रोक लगानी चाहिए, और सबसे पहले इन बच्चों के मुद्दे इनसे पूछे जाएं कि ये क्या चाहते हैं, और जो ये बच्चे चाहते हैं उस पर सरकार ध्यान दे बस। तो आपने एग्जाम दिया था? यस सर। क्या कितने मार्क्स आए थे आपके? 629। तो क्या 629 में आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, मैं 650 ला था तब भी नहीं मिलता पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुझे। तो ये जो 67 बच्चे जो 720 ले आए हैं, तो इसमें कहाँ से गड़बड़ियाँ हुई हैं? सर गड़बड़ियाँ हुई होंगी एनटीए के अंदर से कहीं से हुई होगी, और ये एनटीए खुद अपना डाटा नहीं देना चाहता। हमने बोली थी 1563 बच्चों की, कुछ बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बोला था कि एनटीए से 1563 बच्चों की लिस्ट तो निकलवाइए, बट एनटीए ये चीज़ देने को राजी नहीं है। कोई बच्चे की ओएमआर नहीं आई है, बच्चा एनटीए ऑफिस जाता है एप्लीकेशन लेके कि हम मुझे ओएमआर दीजिए, वो ओएमआर नहीं दी जा रही है, तो वो डाटा कहाँ से देगा? जब एक बच्चे खुद की ओएमआर नहीं दे रहा एनटीए, तो उससे डाटा मांगने से भी नहीं देगा वो। तो
तो अभी भी एनटीए जो है वो कह रहा है कि काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन जिनको 1563 जिन बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनको फिर से एग्जाम देना होगा, तो क्या आप लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। 1563 का मामला तो वो तो ग्रेस मार्क्स का है। हाँ। हमारा असली मामला तो है रीनीट कराना, और वो रीनीट 1563 का नहीं, सारे बच्चे जितने 24 लाख बच्चे हैं उन सभी का रीनीट कराना। तो आप लोगों के पास परमिशन जो है अब यहाँ पर बैठने की वो तो आज तक की है, तो आगे क्या आप लोगों की रणनीति है, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखेंगे सर, आगे भी परमिशन लेंगे, क्योंकि हमारे पास आज की परमिशन नहीं थी, कल की परमिशन थी। हम आज भी परमिशन लेकर आए, कल भी आएंगे परमिशन लेकर ऐसे ही। लेकिन जब तक एग्जाम फिर से नहीं करवाया जाएगा तब तक आप लोग धरने में बैठे? हाँ सर, कोशिश करेंगे आने की। जब तक कितना समय लग जाता है एक बच्चे को तैयारी करने में, और कितने मतलब उनकी ऊर्जा और एक अच्छा खासा बजट भी लग जाता होगा, उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एज ए स्टूडेंट कैसा लगता है, कैसा फील होता है? सर यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट 70-80% स्टूडेंट ऐसे होंगे 24 लाख में से जिन्होंने मतलब 3 से 4 साल, किसी ने 5 साल लगाई है अपनी मेहनत की, और वो बच्चा, उस बच्चे का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनेगा। और दूसरी चीज़, डॉक्टर बनने के बाद अगर उसकी 4 से 5 साल की मेहनत को कोई ऐसे बेकार कर दे तो उस बच्चे का मन टूट जाता है। बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अभी कुछ बच्चे इस चीज़ से, अभी तो 9 बच्चों ने सुसाइड किया है, कुछ बच्चे इस चीज़ में, क्या क्या पता हमारे हक में फैसला आ जाए, वरना ये जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सुसाइड्स वाली। इस तरह से कि 9 बच्चों ने अभी तक सुसाइड की कर ली है, और अगर इनके हक में फैसला नहीं आता है तो यह जैसा कि आशंका जता रहे हैं कि ये संख्या और बढ़ सकती है। लगभग 3-4 साल लग जाते हैं किसी भी एक बच्चे को तैयारी करने में, उनका पैसा खर्च होता है, उनकी एनर्जी खर्च होती है, और उसके बाद जब एनटीए जब इस तरह के जब एग्ज़ाम लेता है जिसमें गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसको मानने से भी इनकार करता है, तो इस तरह से इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ जनहित आवाज़, धन्यवाद।